दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे एसीबी में कितने रिले होते हैं और कौन कौन सी रिले होती है, इन सब का नाम क्या होता है और काम क्या होता है। दोस्तों अगर आप इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं एसीबी जो होती है एसीबी में कितने रिले लगी होती है। दोस्तों एसीबी में टोटल 3 रिले लगी होती है। एसीबी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है दोस्तों एयर सर्किट ब्रेकर। इसमें एसीबी में रिले होती है दोस्तों हमारी कितनी, टोटल 3 रिले होती है। तो दोस्तों कौन कौन सी रिले होती है 3, जिसमें नंबर 1 पर आती है दोस्तों संट कोयल यानी कि संट रिले। दोस्तों नंबर 2 पर आती है हमारी यूवी रिले, यूवी रिले। दोस्तों यूवी का मतलब होता है अंडर वोल्टेज, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं दोस्तों अंडर वोल्टेज। इसको हम दोस्तों एक चीज और बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, यू वी आर यानी कि अंडर वोल्टेज रिले। और दोस्तों नंबर 3 पर आती है हमारी क्लोजिंग रिले, क्लोजिंग रिले नंबर 3 पर। दोस्तों हमारी एसीबी में एक रिले होती है नंबर 4 पर, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप रिले भी बोल सकते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप रिले भी बोल सकते हैं और माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर भी बोल सकते हैं, माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर रिले। दोस्तों इससे क्या होता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार का आपने देखा होगा जो हमारी एसीबी भी है उस पर। दोस्तों इसका जो सेटिंग है वो हम थोड़ी लंबी है, उस पर वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इस रिले के बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे, जो हमारा माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर या इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप रिले होती है, यानी कि यहीं से इसकी सेटिंग की जाती है, जो अर्थ फॉल्ट की सेटिंग वगैरह वगैरह, यानी कि अंडर वोल्टेज कितने वोल्टेज पे कितने सेकंड में, यानी कि टाइम डाला जाता है इसमें, ये सब सेकंड सेटिंग जो होती है वो इसी माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर से होती है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक रिले भी बोल सकते हैं। तो अभी आते हैं हम संट कोयल रिले और यूवी रिले और अंडर वोल्टेज रिले जिसको बोलते हैं और क्लोजिंग रिले, इन सब का वर्किंग क्या होता है। दोस्तों जो हमारी संट कोयल रिले जो होती है ना दोस्तों, ये होती है रिमोट स्विच, यानी कि इसको रिमोटली हम स्विच कर सकते हैं। हमको रिमोटली स्विच मतलब दोस्तों हमको दूर से चलाने के लिए क्या है, संट कोयल रिले को इसको हम दूर से क्या कर सकते हैं, रिमोट द्वारा इसको स्विच कर सकते हैं, यानी कि स्विच समझे दोस्तों ऑफ कर सकते हैं, यानी कि हम कोई वर्क कर रहे हैं इसको जैसे ही हम स्विच करेंगे यानी कि ऑफ कर दिया हमने इसको, इसको हमने ऑफ नहीं किया, यानी कि एक तरह से ट्रिप हो गई। जब ये ट्रिप हो गई हम कोई वर्क करेंगे, कोई गलती से हम कहीं वर्क कर रहे हैं तो हमने क्या किया इसको स्विच, इसको संट कोयल को ऑन करा दिया, ये हो गई हमारी एसीबी मतलब ट्रिप हो गई। अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं, कोई बंदा गलती से जाकर इसको ऑन भी करता है तो दोस्तों ये ऑन नहीं होगी। ऑन कब तक नहीं होगी, जब तक हम ये जो हमारी संट कोयल जो है ना इसको हम ऑन मतलब इसको ऑफ नहीं करेंगे, जब तक ये ऑफ इसकी सप्लाई ऑफ नहीं होगी तो ये क्या है, इसको मैनुअली ऑन ऑफ भी करने जाएंगे तो ये ऑन ऑफ नहीं होगी। कब तक ऑन ऑफ नहीं होगी, जब तक ये हमारी कोयल कोयल की पावर नहीं काट देंगे हम, तो इससे हमें ये सेफ्टी मिल जाती है दोस्तों। इसका कार्य सिर्फ दोस्तों इतना ही होता है। अब दोस्तों आती है यूवी रिले की। दोस्तों यूवी रिले अंडर वोल्टेज रिले, तो एसीबी में इनपुट कितने आ रहे हैं, आउटपुट कितने आ रहे हैं दोस्तों, ये सब के लिए जो होता है ना दोस्तों, ये हमारी जो अंडर वोल्टेज रिले है ये इनपुट और आउटपुट के जो वोल्टेज है उसको जो क्या करती है दोस्तों, सेंस करती रहती है, इन और आउट, यानी कि इन में कितने आ रहे हैं और आउट में कितने आ रहे हैं, यही काम होता है दोस्तों। कितने यानी कि कितने वोल्टेज हमारे आ रहे हैं, कितने वोल्टेज इन हो रहे हैं और कितने वोल्टेज जो हमारे हैं आउट हो रहे हैं दोस्तों, इसका इतना ही कार्य होता है। तो दोस्तों इसकी हम एक सेटिंग करते हैं, यानी कि अंडर वोल्टेज यानी कि कम वोल्टेज, जब हमारे वोल्टेज कम हो जाते हैं तो क्या करेगा ये हमको ट्रिप करा देता है अंडर वोल्टेज रिले, इसीलिए इसको हम बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे हमारे उपकरण इंडस्ट्रीज में ऐसे होते हैं, अगर हम उसमें कम वोल्टेज फ्लो होगा तो हमारे जो उपकरण है वो खराब हो सकते हैं और साथ में क्या होगा उसकी जो एफिशिएंसी है, जो हमारे उपकरण मोटर वगैरह या हमारे कोई पंप वगैरह लगे हुए हैं या हमारी कोई मशीन है उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और वो सप्लाई ज्यादा लेने लगेगा, जिस कारण हम क्या करते हैं इसमें एक सेटिंग करते हैं अंडर वोल्टेज सेटिंग। ये क्या होता है दोस्तों अंडर वोल्टेज सेटिंग, सपोज करो हमारे यहाँ क्या हमने इसको 400 वोल्टेज में क्या किया है, सेट किया है 400 वोल्टेज में सेटिंग किया है, यानी कि 400 वोल्टेज से नीचे जाएगा तो क्या होगा हमारी एसीबी ट्रिप कर जाएगी। सपोज करो इस पे आते हैं 380 वोल्टेज या 390 वोल्टेज, तो क्या होगा हमारी जो एसीबी है वो इंस्टेंट ट्रिप कर जाएगी, जिससे हमको सेफ्टी मिल जाएगी हमारे उपकरण को। तो इसका कार्य ये होता है दोस्तों अंडर वोल्टेज रिले का, दोस्तों इसका इतना ही कार्य होता है।
ये हमारे जो वोल्टेज इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज को क्या करता रहता है, सेंस करता रहता है। सपोज करो हमारी एसीबी है, एसीबी में कितने आ रहे हैं, मेरी एसीबी है थ्री फेज एसीबी होती है, 415 आ रहे हैं और 415 जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल एकदम स्मूथली वर्क करता रहेगा। अगर ये मैंने इसकी सेटिंग की है 400 वोल्टेज पे, और इसमें 400 वोल्टेज से एक भी कम होता है, 399 होता है, तो उसमें जो माइक्रोलॉजी कंट्रोलर की बात करें तो उसमें हम टाइम डालते हैं, यानी कि कितने टाइम के लिए इसमें वोल्टेज डाउन हो गए, या 1 सेकंड या 5 सेकंड या 10 सेकंड, ये उस इतने टाइम के बाद ट्रिप कर जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप ये भी समझ गए कि शंट कोयल रिले का क्या कार्य है, यू अंडर वोल्टेज रिले का क्या कार्य है। अब दोस्तों बात आती है क्लोजिंग रिले की। दोस्तों क्लोजिंग रिले होती है जो हमारी सभी एसीबी होती है ना, कोई सी भी एसीबी उसमें नहीं होती, यानी कि सभी एसीबी में नहीं होती है दोस्तों। ये हमारी कुछ एसीबी में देखने को मिलेगी आपको क्लोजिंग रिले, कुछ एसीबी में देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। दोस्तों ये हम कैसे पहचानेंगे किस एसीबी में देखने को मिलेगी और किस एसीबी में देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों हमारी जो एसीबी होती है मुख्य दो टाइप की होती है। नंबर एक होती है एमडीओ टाइप, जो हमारी एमडीओ टाइप होती है एक तो ये होती है, और एक दो नंबर दूसरी होती है दोस्तों ईडीओ टाइप। ईडीओ टाइप की जो हमारी एसीबी होती है दोस्तों, जो एमडीओ टाइप होती है इसमें हमको क्या क्लोजिंग रिले देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। और दोस्तों ईडीओ टाइप में हमें को क्या जो हमारी क्लोजिंग रिले है वो देखने को मिलेगी। दोस्तों एमडीओ टाइप क्या होता है, ईडीओ टाइप क्या होता है, इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं, आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो देख सकते हैं। और जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा उसके एंड में भी मैं वो वीडियो लगा दूंगा, एमडीओ टाइप और ईडीओ टाइप, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों में मतलब इसका कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, ये सब उसके बारे में अलग से वीडियो बना रखी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये क्लोजिंग रिले जो होती है ना दोस्तों सिर्फ ईडीओ टाइप में ही होती है। इसका वर्क क्या होता है दोस्तों, इसको हम कहीं दूर से यानी कि कितनी भी दूर से इसको ऑन ऑफ करा सकते हैं। जो हमारी जो क्लोजिंग रिले होती है ना दोस्तों, इसका यही कार्य होता है जो हमारी एसीबी होती है उसको ऑन ऑफ कराना, यानी कि हम दूर से इसको ऑन ऑफ करा सकते हैं ऑटोमेटिकली। इसमें एक चीज और देखने को मिलेगी दोस्तों, जिसमें जिस भी हमारी एसीबी का जो पैनल होता है जिसमें आपको टीएनसी स्विच देखने को मिलेगा ना दोस्तों, यानी कि टीएनसी स्विच भी इसी तरीके से काम करता है, यानी कि टीएनसी स्विच उसी एसीबी में लगाया जाता है जो ईडीओ टाइप ईसीबी होती है, यानी कि जो जिसमें क्लोजिंग रिले आपको देखने को मिलेगी उसकी पहचान आपको ये होगी, उसमें टीएनसी स्विच भी आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि इसका वर्क क्या होता है दोस्तों, इसको हम कहीं से भी दूर से ऑन ऑफ करा सकते हैं, यानी कि हम जो हमारी एसीबी है उस पर बटन होता है ऑन ऑफ का, इसमें एक ऑफ का बटन होता है दोस्तों और एक होता है ऑन का बटन। हम उससे ना ऑन ऑफ करा के हम चाहते हैं हम जो दूर से बैठे बैठे अपनी एसीबी को ऑन कराए, तो ये हम क्या करते हैं, हम सप्लाई यानी कि जो हमारा क्लोजिंग रिले होती है उसकी जो हम वायर है उसकी वायर उठाते हैं और वहीं से हम ऑन ऑफ करा सकते हैं। हम इसको ऑटोमेटिकली कहीं से भी ऑन ऑफ करा सकते हैं जिसमें हमारी क्या क्लोजिंग रिले लगी होती है ऑटोमेटिक। दोस्तों पीएलसी द्वारा भी हम इसको क्या करा सकते हैं, ऑन ऑफ करा सकते हैं, जो हमारी पीएलसी होती है या स्काडा लगा होता है या बीएमएस द्वारा इसको हम ऑन ऑफ करा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे शंट कॉइल रिले का क्या कार्य होता है, यूवी रिले का क्या कार्य होता है और क्लोजिंग रिले का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो हमें कमेंट कर दीजिए। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों धन्यवाद आपकी आज की वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में।